गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और भैया आज है गणेश चतुर्थी, तो अर्ली मॉर्निंग मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है, जो कि अभी मैं पब्लिक करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। और सीरियसली बताऊँ ना, तो सुबह से क्या मैं उठ तो जल्दी गया था, बट पूजा के चक्कर में और भी मुझे दो तीन काम थे, तो इस वजह से क्या कहते थोड़ा सा लेट हो गया। और आज गणेश चतुर्थी है, तो दिया ऋषभ अंदर गणेश जी की पूजा की तैयारी में लगे मैं, अभी थोड़ी देर में बस पूजा करेंगे, ऑलमोस्ट टाइम तो हो चुका है, तो बस पूजा करने जाएंगे बस थोड़ी देर में अभी अंदर। और दिया ऋषभ को भी दिखाता हूँ आज, तो दिया ने साड़ी वाड़ी पहन के बढ़िया से रेडी वेडी हो रखी है। और हमारा प्लान भी अगर सही रहा, सही तरीके से रहा, तो हम सिटी के अंदर जो गणेश जी का मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर जो जयपुर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। बट ये है कि यार साथ में कोई जाने वाला होगा तभी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आज इतनी धक्का मुक्की होने वाली है ना, जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कल वीडियो देखा था, मेरे कोई हमारे नून है वो गए थे, उन्होंने वीडियो बना के डाला, तो मेरे को लगा यार वाक्य में यार जाना चाहिए कल, बहुत अच्छी मतलब लाइटिंग वाइटिंग और मेला लगा हुआ है बढ़िया ज़ोरदार वाला, तो चलेंगे। अभी दोस्त को फ़ोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई वो कहाँ है, साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर देखते जो भी सीन रहेगा आपको बता देंगे। बट अभी तो ये है कि दिया जो बढ़िया तरीके से रेडी हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ना, तो आप लोग भी देख के बोलो यार वाकई में क्या लग रही है। तो अभी पूजा वूजा करने चलेंगे, फिर मैं आपको दिया से भी मिलवाता हूँ, जब तक ये मैं इसको अपलोड अपलोड करता हूँ, थोड़ा सा काम इसमें बाकी है, तो वो काम कम्प्लीट करके इसको अपलोड करते हैं, तो देन फिर भी अंदर करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन भाई, इतना शोर मचाते भी जाती है गाड़ियाँ भाई, कभी कभार लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और भाई गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है ना, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, ये देख लो हालत, तो गर्मी तो बहुत तेज़ है। तो अब क्या करते हैं, पहले इसको अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद में देन फिर आप लोगों को मिलते हैं वापस से दिया ऋषभ के साथ में, क्योंकि उनको दिखाना ज़रूरी है, नहीं दिखाऊंगा ना तो वो मेरे को गालियाँ देंगे कि बोले आज हम रेडी होते तो आप दिखाते नहीं हो। तो अभी बस काम वाम करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, पूजा वूजा करते हैं और मिलवाते हैं दिया ऋषभ। अकेले अकेले फिर मम्मी पापा भी जा रहे हैं, तो वीडियो बना लाएगा ना तू? मैं रात को जाऊंगा, रात को फिर रात को देख लूंगा मैं, तो मेरा तो तेरा तो तू अभी जा रहा ना। ये तो ये वाला गाना है ना मम्मू के लिए बना हुआ है, ये वाला गाना मम्मू के लिए बना हुआ है। ये बड़े बेकार बच्चे हैं भाई, ये ना मतलब इतने गंदे बच्चे हैं ना, इनको पता नहीं क्या बोलना बट बोल देते हैं। और अपन देख रहे हैं बैन टैन, बिकॉज ये लोग सब जा रहे हैं ना, तो अपन घर पर ही हैं, और अपने को अभी कहीं जाना भी नहीं है अपन, क्योंकि ये लोग आएंगे और अपन रात को जाएंगे। हनी के साथ में, हनी से बात हुई है, तो वो बोले एक बार मैं जब ऑफिस से आ जाऊँ तो बोले अपन चलेंगे, और अभी तक वो आया नहीं। और ये देखो, तो मैं गया था चेयर लेने, और चेयर लेने गए थे, फटाफट गए फटाफट वापस आ गए, क्योंकि वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। और भाई सीरियसली जो चेयर देखने गए थे वो चेयर थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो वो कल परसों आएगी तब चलेंगे, तब देखेंगे वहाँ ब्लॉग ब्लॉग का। और इसको देखो कैसी हरकतें कर रही है, आज सुबह फिर प्रैंक हुआ ना तेरे साथ, सुबह फिर हुआ ना, तू उसी लाइक ये गोबर खाने लगी, तू है भी गोबर खाने लगी, आज मेरे मम्मी के ऊपर प्रैंक कर दिया दो बार। चल चल रवाना हो चल, तो बुला रहे इनको, ये लोग जा रहे हैं और अपन चलेंगे शाम को, बट ये लोग जा रहे हैं तो मैंने इनको बोला है कि ब्लॉग के लिए थोड़ा बहुत वीडियो बना लाना, तो देखते हैं बना के लाते हैं कि नहीं लाते आते। तो ये मांग रही है स्टिक, तो मेरे को लग नहीं रहा ये स्टिक से बना पाएगी, बट चलो ठीक है दे देते कि क्या है क्या नहीं है। तो चल, हाँ जी भैया कैसी रही आपकी ट्रिप? बहुत अच्छी रही। क्या क्या लाए? ओ भाई इतना सारा सामान, अच्छा और ये क्या है? स्प्रिंग है। भाई सबसे खतरनाक चीज मेरे को तो ये लगी, दिखा दिखा दिखा, दिखा, दिखा। तो भाई ये देखो, ओ भाई जादुई छड़ी, ये तो आपको इसकी एक चीज दिखाते हैं, तो ये देखो भाई इसमें लाइट चेंज कर, लाइट चेंज कर, सिंगल लाइट कर, सिंगल लाइट, ओ भाई चेंज कर। सबसे मस्त चीज मेरे को ये लगी, बहुत प्यारी चीज लगी। तो ये सब मतलब, तो ये इतने सारा सामान लेके आए थे, तो मेरे को उनमें सब में यही अच्छा लगा, बाकी ये पता नहीं क्या लेके आया, चूड़ी सी एक, ये भी भाई अगर किसी को पता हो ये किस काम में आती है तो बताना जरूर, पर मेरे को इतना ही पता है लड़कियों की चूड़ी है जो ये ले आया गलती से। और भाई ये मेरे को सबसे अल्टीमेट चीज़ लगी, क्योंकि इसमें देखो यार ये जो इसके ना लाइट्स है ना, जो इतनी प्यारी लग रही है ना, इसके अंदर मोड्स भी हैं यार, वाह यार वाकई में बहुत प्यारी चीज़ है, तो सीरियसली बहुत अच्छी लगी। और ये वाला कैसे क्या है एक बार दिखा जरा, ये भी चला के दिखा, दिखा चला के,
ओ भाई इसमें तो लिक्विड निकल रहा है, ये पानी नहीं है, पानी नहीं है नहीं। तो भाई ये पानी मेरे को लग रहा था पानी है बट पानी नहीं है, तो पता नहीं ये तो कुछ और ही है, तो देखते हैं एक बार। अब चला जरा चला, रुको मिक्स को करने दो। हो गया ना मिक्स? नहीं, इसके अंदर झाग दो। अच्छा झाग बनाना है, ओ भाई ये तो बन गई। हाँ चला, अब चला, दिखा दिखा दिखा, पंखा बंद कर दो। अच्छा पंखा बंद कर दो, चला चला भाई, ये तो जोरदार चीज है भाई। ओ यार गजब, ओ भाई तो ये तो इतनी सारी चीजें लेके आया, और ये लोग आए, और अब अपना जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि बाहर हो चुका है अंधेरा और मौसम बढ़िया हो रखा है थोड़ा सा। तो हन्नी का फ़ोन आएगा फिर हम निकलेंगे, क्योंकि हम रात में इसलिए जाएंगे लाइटिंग अच्छी हो रखी होगी और थोड़ा सा शूट करने में मज़ा आएगा, वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। और यार फैमिली के साथ थोड़ा सा क्या मज़ा नहीं आता, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसी जगह घूमने फिरने में। और ये देखो अब ये लग गया, अब ये ऐसे ही काम करता रहेगा, अब ये लिक्विड डालता रहेगा और बनाता रहेगा और करता रहेगा। तो अब इसको इसका काम करने देते हैं और अपन भी थोड़ा सा काम करते हैं और मिलते हैं फिर मंदिर। आप लोगों को कहा था गणेश चतुर्थी के लिए आज हम जाएंगे मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर, तो भाई के साथ जा रहे हैं। भाई अभी अभी ऑफिस से आया तो भाई को मैंने खाना भी नहीं खाने दिया। खाना खा लिया, खा लिया क्या? ओ यार देख लो, खाना खा लिया भाई ने और भाई को उठा लिया। अब जा रहे हैं मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर और ऐसी हालत में जा रहे हैं, और आज जा रहे हैं हम हन्नी की बाइक से क्योंकि बिकॉज इसने सर्विस करवाई थी ना, उसके बाद में मज़े नहीं लिए थे इसके बाइक के, तब मज़े लेंगे। तो चलते हैं हन्नी की बाइक से मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर पे और फिर देखते हैं आज वहाँ पे क्या मस्त मज़े आने वाले हैं। मतलब बढ़िया है, मतलब सुनने में आ रहा बढ़िया डेकोरेशन बढ़िया हुआ हुआ, तो देख के पता चलेगा। चलते हैं मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर अपन भी, और आप लोग भी चलो और इन्जॉय करो आगे का। भाई सबसे क्लासिक व्यू ये वाली रोड पर लगता है। हाँ बट अब चेंज कर देना चाहिए। हाँ सही बात है, पर अब है ना इसका चेंज कर देना चाहिए, तो मुझे लग रहा है दिवाली पे अब है ना इसको कुछ अलग सा डेकोरेशन हो जाएगा, क्योंकि दिवाली पे डेकोरेशन चेंज होता है ना, तो क्या पता इस बार भी दिवाली पे डेकोरेशन चेंज हो जाए। तो भैया पीछे कोई गाड़ी वाले को ज़्यादा जल्दी है, भैया आप पहले निकालो, हम तो लेट भी चल जाएंगे। तो भैया लेट हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो भैया को निकलने दिया, भैया गवर्नमेंट की गाड़ी है भाई। हाँ भाई डर लगता है चालान कटवा दे तो, मगर यार है ना सीरियसली बताओ ना, इस रोड पे जो व्यू बनाना है इन लाइटों की वजह से भाई एक नंबर। और भैया अभी अपने राइट साइड में सारे ये सच्ची वाले वगैरह, राजस्थान के सच्ची वाले हाई कोर्ट वगैरह जो भी है वो यहीं पे है, तो भैया ये हमारा हाई कोर्ट वगैरह आ गया और सच्ची वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस वगैरह सब अपने राइट लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी राइट हैंड साइड बोल दिया मैंने, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और भैया हमारे राइट साइड में आएगी विधानसभा, भाई साहब जयपुर विधानसभा, भाई क्लासिक व्यू बनता है विधानसभा का है दिवाली पे और उस पर। हाँ 15 अगस्त को भाई क्लासिक व्यू था। तो भैया हमारे इस साइड में है जयपुर विधानसभा और इधर है सचिव वाले, तो हमने बोला इधर इधर मत दिखा, सामने भी देख भाई, सही बात है सामने देखना जरूरी है। तो भाई बिना हेलमेट के ट्रेवलिंग कर रहे हैं यार, है नहीं भाई, हेलमेट ही नहीं है इनके पास तो। अभी पता है पुलिस वाले अगर रोकेंगे ना अपने को रोकेंगे, इनको नहीं रोकेंगे बिकॉज लड़कियां हैं सारी, और रोक ही लेंगे ना छोड़ देंगे पता है। तो ये प्लस पॉइंट है लड़कियों का कि भाई लड़कियां होती हैं ना तो उनको छोड़ देते हैं, लड़कों को बेचारों को रगड़ दिया जाता है बुरी तरीके से। तो भाई हेलमेट लगा के चलो, ऐसी गंदी हरकतें मत करो भाई। क्या गंदे हो चुके हैं मोतीडूंगरी गणेश जी के मंदिर। और भाई इस समय ऐसा रश देखकर कैसा फील हो रहा है तेरे को, इस समय ऐसा रश देखकर हैं रहेगा यार नहीं, मगर आज रात को इतना रश है इस रोड के ऊपर भाई, जबकि देखा जाए ना सबसे पॉश रोड है जयपुर की, है सबसे VVIP रोड है, मतलब अगर कोई VVIP गेस्ट भी आएगा ना तो वो इसी रोड से जाएगा, बट आज इस क्राउड को देखकर क्या बोलेंगे आप, हैं क्या बोलेगा इस क्राउड को देखकर। नहीं मगर गणेश जी के लिए तो भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, जो ये चहल पहल है ना, मतलब एक देखने में मज़ा आ रहा है ना चहल पहल देखने में, सीरियसली ऐसी चहल पहल है ना बहुत भाई, उल्टी सीधी हरकतें भी खूब हो रही है, मतलब उल्टी सीधी हरकत, मतलब क्राउड तो है ही मगर है ना ऐसी चहल पहल में ये जो उल्टी सीधी हरकतें हो रही है
ये देखो भाई उधर मेला भी लगा हुआ है, मेला वेला भी लगा हुआ है। हनी भाई क्या बोलेगा, नंबर आएगा नहीं आएगा? तो दिखा जनता को, जनता दिखा दी मुझे पहले नंबर आता दी, नंबर आ रहा है आएगा नहीं आएगा? मुझे तो लग नहीं रहा, आज रात को तो नंबर आता दिख नहीं रहा भाई उधर तक और इधर पीछे। तो भाई हैं नंबर तो आता नहीं दिख रहा मेरे को, क्या बोले हम? कल परसों कल ही आना पड़ेगा, कल देखते हैं, आज तो भाई पॉसिबल, मतलब हमने सोचा था कि दर्शन हो जाएंगे बट है ना हमें अब पॉसिबिलिटी लग नहीं रही कि भाई दर्शन हो पाएंगे। और भाई लाइन है ना इतनी लंबी लाइन है और लोग जो कैसे बैठ गए नीचे, ओ भाई देख जाने वालों से ज़्यादा लंबी लाइन तो नीचे बैठे हुए लोगों की है, हैं वो नहीं हैं नीचे बैठे हुए लोगों की लाइन देख सबसे लंबी है, खड़े तो साथ के साथ है बैठे हुए उनसे भी ज़्यादा है। ओ भाई मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा क्राउड होगा, बट यहाँ हालत ही ख़राब है, मुझे लग ही नहीं रहा आज से नंबर आने वाला है। तो भाई कल वापस से ट्राई करें, कल ही आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, तो हैं तो कल भी मेला तो वैसे रहेगा, दो तीन दिन तो रहता ही है मेला है ना। तो भाई हमें लग भी रहा था हम घर से निकले थे ना कि भाई शायद तक दर्शन नहीं हो पाएंगे, बट हम बोले एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, बट यहाँ आके देखा ना तो भाई जितना लंबा क्राउड है ना, तो आज रात को क्या कल मॉर्निंग तक भी नंबर आ जाना तो बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है। और अभी टाइम तो 10:30 तो हो गया, तो टाइम देखो आ रहा है 10:30 हो गए ना, तो भाई आज तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है भाई, जो आज गणेश चतुर्थी वाले दिन जो भीड़ है ना इस दिन तब क्या करें, चले चले। तो भाई अब निकलते हैं हम भी, मुझे लग नहीं रहा आज नंबर आता दिख रहा है। भाई कोलंबस चल तो गया भाई, मेरे को सबसे ज्यादा डर इस झूले में लगता है भाई, वहां से भाई क्या हाइट जा रही है, ओ पूरा हो जाता पता मेरे को भाई, उसके पीछे वाले में बैठ के पीछे घर हो रहे, सोच अगर उस घर में घुस जाए, ओ भाई का ओ नहीं बैठेगा क्या उस वाले में कोलंबस में, पहले बैठा था यार भाई, इसमें तो हालत ऐसी हो जाएगी, हालत ही खराब हो जाएगी, तो इस वाले में देखते हैं हम ट्राई करते हैं, इस वाले में चले चले देखते हैं, अगर भाई सही रेट लगाएगा तो चलेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे भाई, मेरे को लग नहीं रहा मगर इसकी प्राइस होगी। ओ भाई भाई रास्ते रास्ते आ रहा, बीच बीच में से क्या निकल के आ रहा है, रास्ता है ही नहीं रास्ता दिखा भाई, रास्ता पीछे से इसलिए बोले बीच से निकल के आना पड़ रहा है। तो भाई जो रास्ता है ना बहुत पीछे से, तो मैं ऐसे बीच में से निकलना पड़ा है, बीच से निकलने का ऑप्शन ही नहीं था। नाम क्या है बता, है थोड़ा जोर से बोले यार। तो भैया आप हमारे सामने सामने हैं स्टैचू सर्किल, और ये किन की मूर्ति है वैसे, तुझे कुछ आइडिया है? हाँ यार वही मेरे को नहीं पता यार, मैं आज तक मेरे को ये पता है स्टैचू सर्किल है, बट मेरे को मूर्ति किसकी मुझे ये नहीं पता भाई। तो और ये बिरला मंदिर है इधर, ये बिरला मंदिर आ गया, बिरला ऑडिटोरियम। तो भैया ये बिरला ऑडिटोरियम है, यहाँ के जितने भी बड़े बड़े मेन इवेंट्स होते हैं वो यहीं होते हैं। और भाई क्या नाइट में क्या व्यू आ रहा है इसका, भाई एक नंबर व्यू आ रहा है, आप लोग भी देखो इन्जॉय करो। ऑफ रोडिंग करने जैसलमेर, और भैया ये जैसलमेर की रोड है भाई, बच के भाई 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 बच के, ओ भाई ओ भाई ओ भाई लग गई, ओ भाई लग गई, ओ लगी ओ लगी ओ। अगर किसी ने लस्सी वो दही खाया हो ना, और भाई वो इस रोड के ऊपर आ जाए ना, तो उसकी छाछ बन जाएगी फटाफट, बनेगी नहीं बनेगी अन्नी। ओ भाई धच के ऐसे ऐसे हिल रहा हूँ मैं तो भाई, पूरा ही पेट हिल गया मेरा पूरा ही। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या हाल चाल, बढ़िया भाई। ओ भाई धच के भाई,
चलो एटलीस्ट अच्छी रोड पे आ गए। ओ भाई यहाँ पे भी हालत तो खराब ही। ओ, 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 ओ पेट का पानी हिल गया भाई। भाई 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 अपन सारी जगह घूम फिर कर वापस घर आ गए। और सीरियसली बताओ ना, उम्मीद नहीं थी कि भाई हम दर्शन करें बगैर वापस आएंगे। हम सोच के तो गए थे दर्शन करके आएंगे, बट यार क्या करें, वहाँ पे आप लोगों को भी सिचुएशन दिखाई और भाई इतनी गंदी हालत थी ना कि नहीं कर पाते दर्शन। तो भाई कल तो नहीं कर पाएंगे कल, बिकॉज मेरे पास में काम है। हनी भी कल नहीं है और परसों भी हनी नहीं है, बट परसों मैं मेरे फ्रेंड के साथ जरूर जाऊँगा, मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर चलेंगे। भाई 3 दिन का ये फेस्टिवल यहाँ पे 3 दिन का रहता है, और 3 दिन का फेस्टिवल जो रहता है ना अल्टीमेट वाला रहता है। तो 3 दिन में अभी अपन, आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है और परसों तीसरा दिन, तीसरे दिन अपन चलेंगे और बढ़िया से दर्शन वर्शन भी करवाएंगे आप लोगों के भी। यार आज तो मैं सीरियसली मैंने ये सोच के गया था कि दर्शन हो जाते ना बढ़िया था, बट यार वहाँ पे अंदर जो हालत थी ना, मतलब जानबूझ के लोग इतना नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे थे ना जिसकी कोई हद नहीं। तो वहाँ पे भी मैं ब्लॉग कर रहा था तो मेरे को ये लग रहा था कि यार मेरे को कितना इसमें एडिट करना पड़ेगा, बट यार एडिटिंग तो अपनी जगह, बट यार वहाँ पे जो लोग थे, बच्चे थे, बड़े थे, जिनको प्रॉब्लम थी, वो कितना इरिटेट हो रहे होंगे, सोचने वाली बात है। तो अब आज के ब्लॉग को अब इसी बात के साथ में यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।